गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू फ्रेशर क्लासेस। टुडे वी डिस्कस आवर फर्दर टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, या फिर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1। तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 में हम लोग जैसे सीख लिए थे कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी पढ़ने का मेरा मेन मोटो क्या है, किसी चीज़ का बनाना, तो बनाने का प्रक्रिया क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग का वर्ड आज हम लोग समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, ठीक है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग क्यों पढ़ते हैं, क्यों चीज़ का जरूरी पड़ा, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इज द सिस्टम वेयर मटेरियल इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, जैसे क्या होता है, किसी भी मटेरियल को, रॉ मटेरियल को, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग। जैसे सिंपली अगर एग्जांपल दें, एक मिट्टी है, कोई काम का नहीं है, मिट्टी को अगर हम क्या करें, सान के अच्छे से, उसमें सान के क्या एक घड़ा बना दें, तो क्या होगा, उसका मिट्टी का जो हमारा था उसको क्या बना दिया, घड़ा बना दिया, यूजफुल प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया। इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन फॉर्म टू यूजफुल फॉर्म, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है जिसे का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा लाइन देखिए, इट इज़ द वैल्यू एडिशन प्रोसेस। इसको वैल्यू एडिशन क्यों बोलते हैं, पहले क्या था, हमारा एक मिट्टी था, मिट्टी का कोई वैल्यू है, अगर नीचे पड़ा है पैर के नीचे, आपके पैर के नीचे भी मिट्टी रहता है, लेकिन आप उसको वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन यही जब उसी से हम मिट्टी से ही हम क्या करते हैं, एक मूर्ति बना देते हैं, भगवान बना देते हैं, ठीक है, हम उससे पूजा करते हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हम सिंपली उसका एक डिजाइनर घड़ा बना दें, हम एक डिजाइनर घड़ा बना दें, ठीक है, तो घड़ा क्या है, उसका कीमत है, उसको आप फ्री में तो नहीं ले सकते हैं, उसको ले जाने के लिए आपको पैसे देने होंगे, तो उसका वैल्यू बढ़ गया। तो कोई चीज़ को, बेकार चीज़ को आप उठा के अगर उसको अच्छे से मेहनत करके उसको मैन्युफैक्चर करके हम क्या कर रहे हैं, उसका वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक वैल्यू एडिशन प्रोसेस है, ठीक है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इज द बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। तो देखिए, बैकबोन क्यों, मैन्युफैक्चरिंग के बिना हम अधूरे हैं। अगर हमें एक चम्मच से लेकर ब्रश तक कोई चीज़ उठाते हैं, तो कैसा मैन्युफैक्चरिंग से बना हुआ है, वहाँ पे एक चम्मच उठाते हैं, चम्मच भी तो एक मशीन से पहले क्या होगा, स्टील का कटा होगा, डिजाइन हुआ होगा, बेंड हुआ होगा, मोल्ड हुआ होगा, फिर जाके हमारे हाथ में आया होगा, पूरा फिनिशिंग हुआ होगा, ठीक है। हम फिर ब्रश करते हैं, ब्रश भी तो क्या होता है, एक हमारा इंडस्ट्री में क्या होता है, पहले प्लास्टिक को गलाया जाता है, फिर प्लास्टिक को मोल्डिंग में डाला जाता है, फिर उसका शेप बनाया जाता है, फिर ब्रश बनाया जाता है, तो वो क्या, ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो हम सोने से पहले और सोने के बाद, यानी कि उठते ही हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को यूज करते हैं, सब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग से बना है। आजकल टेक्नोलॉजी है, जो हमारे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल भी क्या है, एक इक्विपमेंट है, हमारा एक सिस्टम है जो मैन्युफैक्चरिंग से बना हुआ है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए क्या है, बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। किसी भी इंडस्ट्री में अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब वहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है। तो ऐसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग हर जगह अवेलेबल होता है, ठीक है। टू नो हाउ टू मैनेज मैन मशीन मटेरियल मेथड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री। तो वहाँ के इंडस्ट्री के जो मेन हेड रहते हैं, वो जानते हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना मैन का ज़रूरत है, कितना कौन सी मशीन यूज़ करना है, कितना मटेरियल चाहिए, और कौन सा मेथड करके हमें कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, कौन सा, अगर मोबाइल बनाना है तो मोबाइल का अलग मेथड होगा, ठीक है, हमें अगर घड़ा बनाना है तो उसके लिए अलग मेथड होगा, ठीक है। तो हर चीज़ का मेथड क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसका नॉलेज होता है इंडस्ट्री के हेड को, ठीक है। तो ये हमारा क्या, मैन्युफैक्चरिंग का मेन कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के जो हमारा टर्म है, वो सिंपली पांच पिलर है, समझ लीजिए, पांच फैक्टर है जो पिलर है, इस पर डिपेंड है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी डिपेंड ऑन द फाइव फैक्टर टू कम्प्लीट द रिक्वायरमेंट्स। तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग का सबसे पहला आता है वेल्डिंग, दूसरा कास्टिंग, तीसरा मशीनिंग, फॉर्जिंग और प्रेस वर्किंग। ये पांच टर्म हमारा क्या, पूरा मैन्युफैक्चरिंग को कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है। अगर किसी भी इंडस्ट्री में अगर ये पांच चीज़ हो रहा है, यानी कि कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग, अगर कोई चीज़ हो रहा है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग तो हो रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी ऑटोमोबाइल का बाइक खरीदते हैं, तो बाइक में सबसे पहले कास्टिंग होता है, फिर वेल्डिंग होता है, फिर उसको फिनिशिंग करके मशीनिंग होता है, मशीनिंग में कुछ फॉर्जिंग होता है, फिर प्रेस वर्किंग भी होता है। तो सारे प्रोसेस करके हमारा क्या, एक बाइक बनता है, ऑटोमोबाइल बनता है, ठीक है। तो कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद क्या कराता है, ये मैन्युफैक्चर होकर आया है, यानी बन के आया है, ये कंप्लीट हमारा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है।
तो इसको याद रखिए फ्रेंड्स कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो इस तरह के वीडियो को जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने फ्रेंड के द्वारा, आप खुद भी कीजिए और फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है फ्रेंड्स। और ज़रूर देखिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अच्छे कंसेप्ट के साथ और अच्छे अच्छे पॉइंट के साथ, ठीक है। थैंक यू।